पूछेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंडरी एक्टर जिन्होंने 18 साल की उम्र में ही नेशनल फिल्म अवार्ड हासिल किया था, जिन्हें उनकी पहली फिल्म के लिए ही फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया और जो मेनली रोमांटिक फिल्मों में काम करने के लिए जाने जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी फैमिली का लगभग हर एक मेंबर जैसे कि उनका भाई, पत्नी, बेटा, बहू और भतीजी भी बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता या अभिनेत्री हैं। ऋषि कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 को मुंबई के चेंबूर में हुआ था। उनका निकनेम चिंटू था, जो उनके बड़े भाई रणधीर कपूर ने रखा था और रणधीर कपूर उन्हें हमेशा इसी नाम से बुलाया करते थे। उनके फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो वो बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता और फिल्म निर्माता राज कपूर के बेटे और बॉलीवुड महान अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के पोते थे। ऋषि कपूर की माता का नाम कृष्णा मल्होत्रा है, जो एक गृहिणी थी। ऋषि कपूर 5 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर आते थे। उनके बड़े भाई रणधीर कपूर और छोटे भाई राजीव कपूर भी बॉलीवुड के मशहूर अभिनेताओं में से एक हैं। ऋषि कपूर की 2 बहनें भी हैं, जिनका नाम ऋतु नंदा और रीमा कपूर जैन है। ऋषि कपूर ने बॉलीवुड एक्ट्रेस नीतू कपूर से शादी की थी। ऋषि कपूर के बेटे का नाम रणबीर कपूर है, जिनकी गिनती बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर्स में की जाती है, जबकि उनकी बेटी का नाम रिधिमा कपूर है, जो एक फैशन डिजाइनर है। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री करिश्मा कपूर और करीना कपूर इनकी भतीजी है, जबकि बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट इनकी बहू है। ऋषि कपूर की स्कूली शिक्षा कैंपेन स्कूल मुंबई और मेयो कॉलेज अजमेर से हुई थी। घर में फिल्मी माहौल होने की वजह से शुरू से ही इनकी रुचि फिल्मों की ओर थी और उन्होंने बहुत कम उम्र में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। साल 1970 में फिल्म मेरा नाम जोकर में वो एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में नजर आए थे। शूटिंग की वजह से वो स्कूल नहीं जा पाते थे, इसीलिए उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। यही वजह रही कि ऋषि कपूर पढ़ाई को बीच में छोड़कर ही फिल्मों पर अपना ध्यान फोकस करने लगे। ऋषि कपूर ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1970 में फिल्म मेरा नाम जोकर से एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर की थी। इस फिल्म में ऋषि कपूर अपने पिता राज कपूर के बचपन के किरदार में नजर आए थे। एक लीड अभिनेता के तौर पर ऋषि कपूर की पहली फिल्म साल 1973 में रिलीज हुई फिल्म बॉबी थी। इस फिल्म में ऋषि कपूर के साथ डिम्पल कपाड़िया मुख्य किरदार में नजर आई थी और डिम्पल कपाड़िया की भी ये पहली फिल्म थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी और इस फिल्म की सफलता के बाद ऋषि कपूर रातों रात स्टार बन गए थे। एक रोमांटिक हीरो के तौर पर बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले अभिनेता ऋषि कपूर ने 50 साल के फिल्मी करियर में करीब 121 फिल्मों में काम किया। दिलचस्प बात तो ये रही कि इन 121 फिल्मों में इन्होंने 92 रोमांटिक फिल्मों में काम किया, जिसमें 36 फिल्में सुपरहिट साबित हुई थी। ऋषि कपूर की सुपरहिट फिल्मों की बात करें तो दीवाना, चांदनी, बॉबी, कर्ज, सागर, अमर अकबर एंथोनी, हम किसी से कम नहीं, प्रेम रोग, हीना, प्रेम ग्रंथ, बोल राधा बोल, दामिनी, नगीना, साजन का घर, इना मीना डीका और याराना ऋषि कपूर की कुछ सुपरहिट फिल्मों के नाम हैं। एक समय ऋषि कपूर और नीतू कपूर की जोड़ी बॉलीवुड की हिट जोड़ियों में शुमार हुआ करती थी। दोनों ने कई फिल्मों में साथ में काम किया और दर्शक ने हर फिल्म में इनकी जोड़ी को खूब पसंद किया। इनकी कुछ पॉपुलर फिल्में हैं जहरीला इंसान, कभी कभी, अमर अकबर एंथोनी, दूसरा आदमी, झूठा कहीं का, धन दौलत, दुनिया मेरी जेब में, रफू चक्कर, पति पत्नी और वो, खेल खेल में, दो दुनी चार, जिंदा दिल, अनजाने में, लव आजकल, जब तक है जान और बेशरम। अपने करियर के सेकंड फेज में भी ऋषि कपूर कई फिल्मों में सपोर्टिंग रोल और विलन के किरदार में नजर आए थे। ऋतिक रोशन की फिल्म अग्निपथ में उन्होंने विलन का किरदार निभाकर सबको चौंकने पर मजबूर भी कर दिया था। साल 1999 में उन्होंने फिल्म आप लौट चले में फिल्म निर्देशन में भी हाथ आजमाया। इस फिल्म में अक्षय खन्ना और ऐश्वर्या राय मुख्य किरदार में नजर आए थे, जबकि राजेश खन्ना और कादर खान भी इस फिल्म में अहम भूमिका में नजर आए थे। शर्मा जी नमकीन उनकी आखिरी फिल्म थी, जो उनके निधन के 2 साल बाद यानी 2022 में रिलीज हुई थी। साल 1970 में फिल्म मेरा नाम जोकर के लिए ऋषि कपूर को बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसके बाद साल 1973 में फिल्म बॉबी के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर के तौर पर फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। साल 2008 में उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया था। साल 2011 में उन्हें फिल्म दो दुनिया चार के लिए बेस्ट एक्टर के तौर पर फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड दिया गया था, जबकि साल 2017 में फिल्म कपूर एंड सन्स के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था।
साल 1973 में ऋषि कपूर को उनकी पहली फिल्म बॉबी के लिए जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था, जो उन्होंने पैसे देकर खरीदी थी। ऋषि कपूर ने अपनी किताब खुल्लम खुल्ला ऋषि कपूर अनसेंसर्ड में इस बात का खुलासा करते हुए कहा था कि हालांकि उन्हें ये बताते हुए शर्म आती है, लेकिन उन्होंने इस अवार्ड के लिए 30,000 रुपए दिए थे। उन्होंने बताया था कि वो उस समय सिर्फ 20-21 साल के थे और किसी ने कहा था कि वो बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीत सकते हैं, तो उन्होंने इसके लिए उसे 30,000 रुपए दिए थे। ऋषि कपूर ने अमिताभ बच्चन का जिक्र करते हुए कहा था कि जब मुझे फिल्म बॉबी के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला तो अमिताभ बच्चन बहुत उदास हो गए थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि बेस्ट एक्टर का ये अवार्ड फिल्म जंजीर के लिए उन्हें मिलना चाहिए था। जैसा कि आप जानते हैं कि अमिताभ बच्चन की फिल्म जंजीर भी साल 1973 में ही रिलीज हुई थी और ये फिल्म अमिताभ बच्चन के करियर के लिए मील का पत्थर भी साबित हुई थी। ऋषि कपूर हर मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखने के लिए जाने जाते हैं और इस वजह से उन्हें कई बार ट्रोलर्स का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो लगातार अपनी बात सबके सामने रखते नजर आते थे। ऋषि कपूर और नीति कपूर की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। पहले दोनों के बीच नोकझोंक शुरू हुई थी, लेकिन बाद में उनका प्यार जीवन भर का साथ बन गया। हालांकि दोनों को प्यार में कई उतार चढ़ाव भी देखने को मिले। एक समय ऐसा भी आया जब खुद उनका परिवार ही उनके प्यार का दुश्मन बन गया। ऋषि कपूर की फैमिली की तरफ से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन नीतू कपूर की माँ को ये रिश्ता पसंद नहीं था। हालांकि इन मुश्किलों का सामना करते हुए दोनों ने 22 जनवरी 1980 को एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंधने का फैसला लिया। तो चलिए जानते हैं कि दोनों की मुलाकात कैसे हुई और उनके बीच नजदीकियां कैसे बढ़ी। ऋषि कपूर और नीतू कपूर की पहली मुलाकात साल 1974 में फिल्म जहरीला इंसान के सेट पर हुई। उस समय नीतू कपूर सिर्फ 15 साल की थी, जबकि ऋषि कपूर पहले से रिलेशनशिप में थे। फिल्म जहरीला इंसान के सेट पर ऋषि कपूर अक्सर नीतू कपूर को परेशान किया करते थे और कई बार नीतू कपूर चिढ़ भी जाती थी, लेकिन बाद में दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती हो गई थी। दोनों के बीच इतनी अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी कि नीतू कपूर कई बार ऋषि कपूर की तरफ से उनकी गर्लफ्रेंड के लिए लव लेटर भी लिखा करती थी। बाद में ऋषि कपूर का अपनी गर्लफ्रेंड यास्मीन मेहता से ब्रेकअप हो गया, जबकि डिंपल कपाड़िया बॉलीवुड के सुपरस्टार राजेश खन्ना से शादी कर चुकी थी। इसके बाद ऋषि कपूर और नीतू कपूर के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। जब दोनों के प्यार की भनक इनकी माँ राजी सिंह को लगी तो उन्होंने उन पर पाबंदियां लगानी शुरू कर दी। नीतू कपूर ने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था कि उनकी फैमिली बहुत प्रोटेक्टिव थी। उनके परिवार को ऋषि कपूर के साथ उनका अफेयर पसंद नहीं था। यहाँ तक कि जब भी नीतू कपूर ऋषि कपूर के साथ डेट पर जाती थी तो उनकी माँ उनके कजन को भी साथ भेज दिया करती थी। नीतू और ऋषि की हर डेट में उनके कजन भी साथ में होते थे, लेकिन दोनों किसी भी बहाने से उसे अकेला छोड़कर भाग जाते थे। नीतू कपूर की माँ उनके रिश्ते के खिलाफ थी, क्योंकि उस समय नीतू कपूर अपने करियर के पीक पर थी और वो सफलता की सीढ़ियों पर तेजी से आगे बढ़ रही थी। ऐसे में नीतू कपूर चाहती थी कि नीतू पहले अपने करियर पर ध्यान दे। हालांकि बाद में उनकी माँ भी दोनों के रिश्ते के लिए राजी हो गई। हालांकि आपको बता दें कि ऋषि कपूर के दो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटी का नाम रिधिमा कपूर है, जिनकी शादी हो चुकी है, और वहीं बेटा रणवीर कपूर हिंदी सिनेमा का जाना माना नाम है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक हमारा इंतजार कीजिए। बाय बाय।